वेलकम टू यूट्यूब चैनल डियर बालाजी क्लासेस बाय अनुपम सर। मैं अनुपम सर आपका अपने चैनल डियर बालाजी क्लासेस पर स्वागत करता हूँ। हमारे बच्चों में अभी बहुत दम है। कल जो आप लोगों ने ताकत हमें दिखाया है 15 का, उस ताकत से मुझे ये लगा कि क्लास बंद नहीं करना चाहिए। एक दो दिन बच्चे डिस्टर्ब है, बाकी पूरे बच्चे फुल सपोर्ट देंगे। सभी बच्चों का विनम्र रिक्वेस्ट आया कि सर क्लास चलने दीजिए, हम लोग क्लास को ज़रूर वॉच करेंगे। तो इसी आशा से मैंने आज फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ, और आप लोग अधिक से अधिक लोगों को शेयर करके आप जो है क्लास की मर्यादा को बनाए रखेंगे, और सभी लोग फटाफट क्लास को लाइव करेंगे। सभी लोग फटाफट क्लास में लाइव आएंगे और फटाफट सभी लोग लाइक करेंगे क्लास को। तो चलिए हम अपने सेशन को शुरू करेंगे। अच्छा, जितने भी सेशन मैं पढ़ा रहा हूँ सब दमदार इंपॉर्टेंट सेशन है। अभी आपको लगता है ना, कल को वही एग्ज़ाम में जब मिल जाएगा आपको, तब आप खुद चिल्लाएंगे कि सर वाकई में जो आपने कहा था वो मिल गया है, ठीक है ना। तो इसलिए आपसे मैं एक आशा करता हूँ कि आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप जितने भी लोग हैं फटाफट फटाफट जितने भी लोग हैं, आपसे एक ही निवेदन है, आप लोग फटाफट जितने भी लोग लाइक कर दें और सभी के पास शेयर कर दें। सभी लोग फटाफट आ जाएं, प्लीज़ सभी लोग फटाफट आ जाएं। चलिए, हम यहाँ पर दो पैराग्राफ हाथ में लिया हूँ और दोनों पैराग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पैराग्राफ कई बार मैंने एग्जाम्स में देखा है, इसलिए मैं एक पैराग्राफ ये लिया हूँ और मैं एक पैराग्राफ और लिया हूँ नीचे, ठीक है ना। एक पैराग्राफ और मैं लिया हूँ, इसके बाद एक पैराग्राफ के बाद आपको कुछ हम पढ़ाएंगे यहाँ पर, सम मॉडल वर्ब्स पढ़ाएंगे। सम मॉडल वर्ब्स पढ़ाने का मतलब क्या चीज़ है, इसमें आपको यूज ऑफ कैन, यूज ऑफ कुड, मस्ट, आर टू, नॉट टू, मे, माइट, सब चीज़ का प्रयोग है। लेकिन आज मैं केवल कैन और कुड लेकर चलूँगा, जिससे वीडियो छोटी रहे और आपको पूरा पूरा समझ में आए, ठीक है ना। थोड़ी क्लास चलेगी, छोटी क्लास चलेगी, क्योंकि अभी हम एग्ज़ाम तक पूरी पूरी तैयारी करवाएंगे। तो आप एकदम मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और ठंडक का सीज़न है, कपड़ा लत्ता पहन करके अपनी तैयारी करें, ठीक ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले अपने एक्सरसाइज नंबर एक को, जो कि मैंने पैराग्राफ को लिया, दोनों पैराग्राफ लिया, दोनों पैराग्राफ बेस्ट है और मस्त है, ठीक है। दोनों पैराग्राफ से एक पैराग्राफ अगर कभी मिल जाता, मुझे आशा है मैं जितने पैराग्राफ चुन चुन के करवा रहा हूँ, मुझे तो ये आशा दिखाई देता कि एक पैराग्राफ यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को। क्या दिया गया है, एक शिकारी था। एक क्या था, शिकारी था। बहुत बढ़िया है, मैं एक एक पॉइंट मैं कर दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाइए। जब एक सेंटेंस आप समझ जाया करिए तो आप कमेंट कर दिया करिए। कुछ बच्चे तो दी बेस्ट हैं, आस्था प्रजापति हुए, सूर्यान सिंह हुए, दिव्यांशु चौरसिया हुए, ठीक है, राठौर हैं, एलेक्स एडिगाटी हैं, ठीक है, और कई बच्चे विनय चौधरी हैं, स्टेटस वाई है एक, ठीक है, लड़का, लगभग सब लड़के हैं, और कई लड़के ऐसे हैं बहुत कमेंट देते हैं, बहुत साथ देते हैं, मतलब एक बार कहने पर वो कह देते हैं सर चाहे सब्सक्राइब हो चाहे लाइक हो, सब कुछ हम करवा देंगे। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बहुत अच्छा करते हैं, दी बेस्ट करते हैं, और आपके लिए हम तत्पर हर समय तैयार हैं, आपके बेस्ट के लिए, आपके रिजल्ट के लिए, ठीक है। तो आप सभी लोग बहुत बढ़िया हैं, ईश्वर आपको साथ दे और ईश्वर आपको आशीर्वाद दे, जिससे आप अधिक से अधिक नंबर लेकर आएँ और वाकई में बाला सर का नाम ऊंचा करें, अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करें, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक सेंटेंस मैं लूँगा और सभी लोग फटाफट लाइक कर दें, सभी को शेयर करें और सभी से कहें कि क्लास प्लीज पढ़ा करें, ठीक है ना। तो यहाँ क्या दिया गया, एक शिकारी था। एक क्या था, शिकारी था, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। जब एक शिकारी था तो इसका हो जाएगा, यहाँ पर सिंपल वे में हो जाएगा, डियर वाज ए हंटर, इसका हो जाएगा एक शिकारी था। तो एक शिकारी का हो जाएगा यहाँ पर डियर हो जाएगा, डियर यहाँ हो जाएगा, डियर वाज ए हंटर हो जाएगा, HUNTER, डियर वाज ए हंटर हो जाएगा, डियर वाज ए हंटर। एक क्या था, शिकारी था, डियर वाज ए हंटर, एक शिकारी था, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, डियर वाज ए हंटर, एक शिकारी था, बहुत अच्छा, ठीक है। इसके बाद चलिए पहला पॉइंट्स हो गया, डियर वाज ए हंटर सबको आ गया, प्लीज़ सभी लोग कमेंट करेंगे, बहुत बढ़िया। वह जंगली जानवरों का शिकारी करने का शौकीन था, ठीक है। वह जंगली जानवरों का शिकारी करने का क्या था, शौकीन था, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले वह, तो वह की अंग्रेजी सबसे पहले आप ही लगा दीजिए। अच्छा, वहाँ पर था लिखा है तो यहाँ हो जाएगा ही वाज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही वाज। अच्छा, शौकीन था तो शौकीन की अंग्रेजी जो होती है कीन भी होती है और आपका फॉन्ड ऑफ भी होता है, KEEN कीन, KEEN कीन मतलब भी शौकीन होता है और फॉन्ड ऑफ मीन्स भी होता है शौकीन। तो ही वाज फॉन्ड ऑफ, ही मीन्स वाह, वाज मीन्स था, फॉन्ड ऑफ मतलब शौकीन, फॉन्ड ऑफ मतलब शौकीन किसका, हंट ऑफ, HUNT, ठीक है ना, हंट ऑफ, और किसका हंट ऑफ, वाइल्ड एनिमल्स, WILD, वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, ठीक ना। ही वाज फॉन्ड ऑफ, हंट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स,
ही मीन्स वह वाज मीन्स था, फॉन्ड मतलब शौकीन, हंट मतलब शिकारी करना, ठीक है, ऑफ वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवरों का। तो ये पूरा सेंटेंस मैंने बताया, ही वाज फॉन्ड ऑफ हंट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। तो सभी को समझ में आया ये सेंटेंस, सभी को लर्न हो गया, सभी बच्चों को लर्न हो गया मेरे साथ, डेली मेरे साथ तैयार किया करें, ठीक है ना, जिससे आपका बोझा उतरता रहे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सभी को लर्न हो गया, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। सभी लोग कमेंट करिए प्लीज़, सभी लोग कर दीजिए, वेरी नाइस, आने लगा जवाब, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा कमेंट थोड़ा सा लेट आ रहा है आप लोगों का, थोड़ा सा लेट आ रहा है, ठीक है ना, थोड़ा सा नेट स्लो है, थोड़ा सा डिले चल रहा है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आ रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। वो क्या लिखा गया यहाँ पर, पहला सेंटेंस दूसरा सेंटेंस आ गया, चलिए चलते हैं हम थर्ड नंबर सेंटेंस पे। वह शिकार की पुस्तक पढ़ना पसंद करता था, वह शिकार की पुस्तक पढ़ना, सबसे पहले यहाँ वह की अंग्रेजी तो ही लग जाएगी, तुरंत लग जाएगी, इसके बाद ही के साथ हो जाएगा पसंद करता था, ही लाइक्ड, यहाँ क्या हो जाएगा, ही लाइक्ड, वह पसंद करता था, क्या करना, टू रीड मतलब पढ़ना, ही लाइक्ड टू रीड, ही लाइक्ड टू रीड, वह पसंद करता था, क्या चीज, ही लाइक्ड टू रीड, वह पढ़ना पसंद करता था, कैसा कैसा बुक, शिकारी, शिकारी की पुस्तक, शिकारी की पुस्तक, ही लाइक्ड टू रीड, ही लाइक्ड टू रीड द, यहाँ क्या हो जाएगा, द, इसके बाद हो जाएगा बुक, बी डबल ओ के बुक हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा बुक ऑफ हो जाएगा हंट, बुक ऑफ क्या हो जाएगा, हंट, तो ही लाइक्ड टू रीड द बुक ऑफ हंट, द बुक ऑफ हंट, ही मीन्स वह लाइक्ड पसंद करता था, टू रीड पढ़ना द बुक ऑफ हंट, वह शिकारी की किताब पढ़ना पसंद करता था, वह शिकारी किताब पढ़ना क्या करता था, पसंद करता था। तो सभी को आया सेंटेंस ये वाला, ठीक ना, वह शिकारी की पुस्तक पढ़ना पसंद करता था, ही लाइक्ड टू रीड द बुक ऑफ हंट, वह शिकारी की पुस्तक पढ़ना पसंद करता, सभी को आया, सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे प्लीज, सभी लोग कमेंट कर दीजिए, सभी को आया ये सेंटेंस, थर्ड वाला सेंटेंस आपको लर्न हो गया, आपको लर्न हो गया सभी को, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है, वह शिकार के बारे में और अधिक सीखना चाहता था, वह शिकार के बारे में और अधिक सीखना चाहता था, सबसे पहले तो वह है इसलिए यहाँ हो जाएगा ही, अच्छा चाहता था, ही के बाद हो जाएगा वांटेड, डब्ल्यू ए एन टी ई डी, ही वांटेड, यहाँ क्या हो जाएगा, ही वांटेड, ही मीन्स वह वांटेड चाहता था, टू मोर, टी ओ टू एम ओ आर ई, टू मोर, ही मीन्स वह वांटेड चाहता था, टू मोर लर्न, टू मोर लर्न, एल ई ए आर एन, ठीक ना, ही वांटेड, ही मीन्स वह वांटेड चाहता था, टू मोर लर्न, मोर माने अधिक, लर्न मतलब सीखना, तो ही वांटेड टू मोर लर्न अबाउट टू हंट, ए बी ओ यू टी, अबाउट टू हंट, एच यू एन टी, अबाउट टू हंट, ठीक है ना, तो ही वांटेड टू मोर लर्न अबाउट टू हंट, वह शिकारी के बारे में, शिकार के बारे में और अधिक सीखना चाहता था, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ही मीन्स वह, यहाँ चाहता था, वांटेड हो गया, क्या चीज़, अधिक सीखना, टू मोर लर्न, ठीक है, अबाउट टू हंट, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, अबाउट मतलब बारे में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इस सेंटेंस को लर्न कर लिया आप लोग, सभी लोग को याद हो गया, वेरी नाइस, सभी लोग कमेंट करिए फटाफट, बहुत बढ़िया, थैंक यू भाई, सभी को थैंक यू, बहुत अच्छा। चलिए एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से लेकर चलने आराम से। उसके पास कई बंदूकें थीं, उसके पास कई बंदूकें थीं, मतलब उसके पास, मतलब सबसे पहले यहाँ क्या हो जाएगा, ही कई बंदूकें थी, इसलिए यहाँ हैड होगा, ही हैड मैनी गन्स, ही हैड मैनी गन्स, जी यू एन एस, ही हैड मैनी गन्स, उसके पास कई बंदूकें थी, ही हैड मैनी गन्स, उसके पास कई क्या थी, बंदूकें थी, वेरी नाइस, सबको आया समझ में, उसके पास कई बंदूकें थी, वेरी नाइस, सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी को आया, सभी ने लर्न कर लिया, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, मेरे साथ लर्न करते चलिए एक एक पॉइंट, बहुत अच्छा, ही हैड मैनी गन्स, वेरी नाइस, आगे चलते हैं। वह अधिकतर अपनी राइफल का ही प्रयोग करना पसंद करता था, सबसे पहले ही यहाँ पर हो जाएगा, वह था, मतलब यहाँ ही हो जाएगा आराम से, अच्छा यहाँ पर क्या होगा, वह अधिकतर, अधिकतर मतलब होगा ऑफन, वो अधिकतर या प्रायः, ठीक ना, ओ एफ टी एन, इसको पढ़ा जाता है ऑफन, क्या पढ़ा जाता है इसको, ऑफन, ऑप्टन मत पढ़ना, ठीक है ना, ये पढ़ा जाता है ऑफन, ठीक ना, ही ऑफन, वह अधिकतर, वह अधिकतर क्या पसंद करता था, L I K E D, he often liked to use his H I S his rifle R I
एफ एल ई राइफल, तो ही ऑफन लाइक्ड टू यूज हिज राइफल, यूज हिज राइफल, ही ऑफन लाइक्ड, ही मीन्स वह, ऑफन मीन्स प्रायः, लाइक्ड टू यूज हिज राइफल, लाइक्ड टू यूज हिज राइफल, ही मीन्स वह, ऑफन मतलब अधिकतर, लाइक्ड मतलब पसंद करता, तो टू यूज प्रयोग करना, हिज राइफल अपना राइफल, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, सभी लोग कमेंट करेंगे एक बार, सभी को आया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, वेरी नाइस। वह पक्का निशानेबाज था, वह पक्का क्या था, वह पक्का निशानेबाज था, तो यहाँ हो जाएगा ही, क्या हो जाएगा, ही वाज, ही मीन्स वह, वाज मीन्स था डेड शॉट, डी ई ए डी, ही वाज डेड शॉट, यहाँ क्या हो जाएगा, डेड शॉट, ही वाज डेड शॉट, वो पक्का निशानेबाज था, ही वाज डेड शॉट, वो क्या था, पक्का निशानेबाज था, ही वाज डेड शॉट, वो पक्का निशानेबाज था, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, वेरी नाइस। चलिए आगे देखते हैं, इसके बाद क्या लिखा है, वो पक्का निशानेबाज था, इसके बाद जंगल में शिकार करने के लिए वह कई दिन और कई रात व्यतीत करता था, ठीक ना, ही वाज डेड शॉट, डेड शॉट मतलब निशानेबाज हो गया, ठीक ना, पक्का निशानेबाज का डेड शॉट होता है, हाँ पक्का निशानेबाज का डेड शॉट होता है, पक्का निशानेबाज का डेड शॉट होता है, याद रख लीजिए प्लीज, ठीक है ना, वहाँ कच्चा पक्का नहीं लिखना, राइप वाइप, वो पक्का निशानेबाज मतलब सटीक वो लगाता था, तो इसलिए डेड शॉट है, ठीक ना, मतलब उसका शॉट कभी भी मिस नहीं होता था, ठीक ना, वेरी नाइस। यहाँ क्या लिखा है, जंगल में शिकार करने के लिए वह कई दिन और कई रात व्यतीत करता था, ठीक ना, तो सबसे पहले वह व्यतीत करता था, तो ही हो जाएगा, व्यतीत करता था स्पेंट हो जाएगा, ही स्पेंट, ही मीन्स वह, स्पेंट मतलब व्यतीत करता था, मेनी डेज, एम ए एन वाई, मेनी डेज, डी ए वाई एस, मेनी डेज एंड, एंड यहाँ हो जाएगा मेनी, मेनी डेज एंड मेनी नाइट, एन आई जी एच टी, मेनी डेज एंड मेनी नाइट, टू हंट, टू हंट, एच यू एन टी, टू हंट, तो ही स्पेंट मेनी डेज एंड मेनी नाइट टू हंट इन द फॉरेस्ट, आई एन इन टी एच ई द, इन द फॉरेस्ट, एफ ओ आर ई एस टी, इन द फॉरेस्ट, ठीक है ना, तो ही स्पेंट मेनी डेज, ही मीन्स वह, स्पेंट मतलब बर्बाद करता था, व्यतीत करता था, मेनी डेज कई दिन एंड मेनी नाइट्स और कई रात, टू हंट शिकार करने के लिए, इन द फॉरेस्ट जंगल में, तो वह कई दिन और कई रात शिकार करने के लिए जंगल में व्यतीत करता था, सभी लोग कमेंट करेंगे आ गया समझ में, सभी लोग कमेंट करेंगे, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्पेंट ही होगा, स्पेंड नहीं होगा, स्पेंट होगा जी। अच्छा फिर क्या लिखा है, उसने कई बड़े जानवर मारे थे, उसने का हो जाएगा यहाँ ही, इसके बाद हो जाएगा किल्ड, के आई डबल एल ई डी, ही किल्ड मेनी, एम ए एन वाई, ही किल्ड मेनी बिग, बी आई जी बिग, इसके बाद क्या हो जाएगा, एनिमल्स, ए एन आई एम ए एल एस, ही किल्ड, ही मीन्स वह, किल्ड मारे थे, मेनी मतलब कई, बिग मीन्स बड़े, एनिमल्स मतलब जानवर, उसने कई बड़े जानवर मारे थे, ही किल्ड मेनी बिग एनिमल्स, उसने कई बड़े जानवर मारे थे, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, सभी लोग कन्फर्म है, प्लीज बताइए, सभी को आराम से आहिस्ता आहिस्ता चला रहे हैं, कोई ना, चलिए ठीक है। यहाँ कह दिया अतः, अतः लोग उसे बड़े शिकार के लिए याद करते हैं, ठीक ना, तो अतः के लिए यहाँ लग जाएगा देयर फोर, यहाँ हो जाएगा देयर फोर हो जाएगा, एफ ओ आर ई, देयर फोर हो जाएगा, यहाँ देयर फोर के बाद हो जाएगा पीपुल, पी ई ओ पी एल ई, देयर फोर पीपुल रिमेंबर्ड, आर ई एम ई एम, एम ई एम बी ई आर ई डी, रिमेंबर्ड, ठीक ना, देयर फोर पीपुल रिमेंबर्ड हिम, रिमेंबर्ड हिम, बिग हंट, बी आई जी, बिग हंट, एच यू एन टी, बिग हंट, ठीक है ना, देयर फोर अतः पीपुल रिमेंबर्ड हिम, बिग हंट, ठीक ना, लोग उसे बड़े शिकार किए, ठीक है ना, रिमेंबर्ड हिम, रिमेंबर्ड मीन्स याद करते थे, हिम मीन्स उसे याद करते थे, बिग हंट बड़े शिकार के लिए, तो देयर फोर मतलब अतः, पीपल मतलब लोग, रिमेंबर्ड हिम उसे याद करते थे, बिग हंट बड़े शिकार के लिए, तो यहाँ तक कन्फर्म है आप लोग का, वेरी नाइस, सभी लोग कमेंट करेंगे, बहुत अच्छा। चलिए आगे चलते हैं, आगे पॉइंट लेकर चलते हैं, ठीक ना, यहाँ पर दूसरा क्या दिया है, ईश्वर महान है, यहाँ पर ये ज़्यादा देर नहीं लगेगा, ये फटाफट हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत सिंपल सा है, ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, ईश्वर महान है, सभी लोग फटाफट करेंगे मेरे साथ, ठीक ना, ईश्वर महान है, तो इसका क्या हो जाएगा, सभी लोग बताइएगा, ईश्वर महान है, वेरी नाइस, कई लोग का जवाब आने लगा, ईश्वर गॉड, यहाँ हो जाएगा गॉड, हो जाएगा इज,
फिर हो जाएगा ग्रेट, GREAT, ग्रेट। गॉड इज ग्रेट, ईश्वर महान है। गॉड इज ग्रेट, ईश्वर महान है। प्लीज सभी लोग को आया समझ में, वह न्यायी है। वह क्या है? न्यायी, न्यायी है। तो यहाँ हो जाएगा ही इज जस्ट, हो जाएगा ही इज जस्ट, 100% सही है। ही इज जस्ट, वह न्यायी है। ही इज जस्ट, कई बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे सर न्यायी का क्या होगा, ही इज जस्ट हो जाएगा, याद कर लो प्लीज, वह न्यायी है। वेरी नाइस, ईश्वर महान है, गॉड इज ग्रेट हो जाएगा, फिर फुल स्टॉप, ही इज जस्ट, वह न्यायी है। वह दयालु है, वह क्या है? दयालु है। तो क्या हो जाएगा? ही इज क्या हो जाएगा? काइंड हो जाएगा। ही इज काइंड, ही इज काइंड, वह क्या है? दयालु है। ही इज काइंड, वह क्या है? दयालु है। यहाँ तक आया, ईश्वर महान है, गॉड इज ग्रेट, फुल स्टॉप, वह न्यायी है, ही इज जस्ट, फिर फुल स्टॉप, वह दयालु है, ही इज काइंड। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। अच्छा आगे, उसने हमारे लिए चांद बनाया है। उसने किसके लिए? हमारे लिए। तो यहाँ पर गॉड है, ईश्वर है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ही, हो जाएगा ईश्वर के लिए। ही मेड मून, ही मेड मून, ठीक ना। उन्होंने मेड मीन्स बनाया है, मून मतलब चांद। उन्होंने चांद बनाया है, किसके लिए बनाया है? फॉर मी, मेरे लिए। मेरे लिए उन्होंने क्या बनाया है? चांद बनाया। फॉर मी, मेरे लिए उन्होंने क्या बनाया? चांद बनाया। ही मेड मून फॉर मी, ही मेड मून फॉर मी, उन्होंने हमारे लिए चांद बनाया। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं है सभी लोग? सभी लोग कमेंट करेंगे। उसने सूर्य बनाया है, उसने क्या बनाया है? सूर्य। तो उसने की अंग्रेजी यहाँ हो जाएगा ही क्या बनाया है? ही मेड सन, ही यहाँ हो जाएगा ही मेड सन, ठीक ना। ही मेड सन, ही मीन्स उन्होंने, ठीक है, मेड सन, ठीक है ना। मेड क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा मेड सन, SUN, यहाँ पर सन ऐसे लिखा जाएगा कैपिटल S, ही मेड सन, उन्होंने क्या बनाया है, ठीक ना, उन्होंने सूरज बनाया है। अच्छा, आदमी घर बनाता है, आदमी क्या करता है? घर बनाता है। तो आदमी घर बनाता है ना, तो आदमी यहाँ कौन हो जाएगा? मैन हो जाएगा। आदमी यहाँ कौन हो जाएगा? मैन हो जाएगा। अच्छा, बनाता है, तो यहाँ हो जाएगा मेक्स, MAKES, मेक्स, बनाता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्लीज ध्यान दो, आदमी घर बनाता है, मैन मेक्स, मैन मेक्स हो जाएगा होम, HOME, मैन मेक्स होम, आदमी घर बनाता है, मैन मेक्स होम, आदमी क्या बनाता है? घर बनाता है। वेरी नाइस, वह पुल बनाता है, तो ही बनाने का क्या हो जाएगा? मेक्स हो जाएगा। ही मेक्स ब्रिज, BRIDGE, वह ब्रिज मतलब वह पुल बनाता है। मैन मेक्स होम, आदमी घर बनाता है, वह पुल बनाता है। ही मेक्स, ठीक है, ब्रिज, वह एक भी फूल नहीं बना सकता। वेरी नाइस, ठीक ना, वह एक भी फूल नहीं बना सकता, तो यहाँ हो जाएगा ही नहीं बना सकता, तो इसका हो जाएगा कैन नॉट, CANNOT, कैन नॉट, क्या हो जाएगा? कैन नॉट। मेक ए फ्लावर, मेक ए क्या हो जाएगा? फ्लावर, मेक ए फ्लावर मतलब ही कैन नॉट, ही मीन्स वह कैन नॉट, नहीं बना सकता, मेक, कैन नॉट मेक, नहीं बना सकता ए फ्लावर, वह एक फूल भी नहीं बना सकता, वह एक फूल भी नहीं बना सकता। वेरी नाइस, सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे। अच्छा, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए, हमें उसकी क्या करनी चाहिए? हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। हमें के लिए यहाँ क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा शुड, SOULD, वी शुड, वी शुड डू हिज वर्शिप, डू हिज वर्शिप, WORSHIP, वी मीन्स हमें शुड करनी चाहिए, शुड डू करनी चाहिए, हिज मीन्स उसकी, वर्शिप मीन्स पूजा, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। वी मीन्स होगा हमें, शुड डू करनी चाहिए, हिज वर्शिप उसकी पूजा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या लिखा गया है? मैं उसकी प्रार्थना करता हूँ, मैं उसकी क्या करता हूँ? प्रार्थना। तो आई प्रे, आई मीन्स मैं, प्रे मतलब प्रार्थना करता हूँ, किसकी? उसकी। आई प्रे हिम, मैं उसकी क्या करता हूँ? प्रार्थना करता हूँ। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा वाला आया, कैसा लगा आपको? मज़ा आया कि नहीं? गजब का था, ज़बरदस्त था, मैंने ज़बरदस्त तरीके से कराने का प्रयास किया है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोग कमेंट करेंगे, वेरी नाइस, दोनों तैयार करेंगे मेरे साथ, डेली तैयार किया करें, आपका एक बोझा कम हो जाएगा। मैं डेली जो इंग्लिश दे रहा हूँ ना, घबराइए नहीं, मैं आपको एक एक एप्लीकेशन, एक एक ऐसे गजब का मैं दूंगा, गजब का एक एक पॉइंट मैं लर्न करा दूंगा, अपने साथ में लर्न करा दूंगा। तो मेरे साथ सिंपल क्यों नहीं करते हो? कोई चीज़ को बाला सर कठिन नहीं, सिंपल में पेश करना चाहते, तो प्लीज़ आप ज़रूर रहा करें, आप दी बेस्ट करेंगे, और आप इंग्लिश से घबराए मत, भागे मत, डेली क्लास करें। चलिए आगे चलते हैं, अभी मैं ऐसे उससे लेकर आऊँगा सब मॉडल वर्ब्स। अब किसके बात करेंगे? अब हम बात करेंगे सब मॉडल वर्ब्स पे, कुछ यहाँ पर मॉडल्स वाले वर्ब्स हैं, ठीक ना, उन पर बात करते हैं। चलिए ले चलते हैं आपको आगे की तरफ,
चलिए देखते हैं कुछ मॉडल वर्ब्स हैं, ठीक है ना। सबसे पहले किसकी बात किया गया है, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे यूज ऑफ कैन की, ठीक है। यहाँ पर किसकी हम बात करेंगे, तो यहाँ पर हम बात करेंगे यूज ऑफ कैन की। यहाँ पर देखो कैन की यूज की बात किया गया, किसकी यूज की बात किया गया, यहाँ पर कैन की यूज की। यहाँ पर कैन देखो, यहाँ पर है कैन, है यहाँ पर है कैन, यहाँ पर एक कैन है, तो यहाँ पर कैन की यूज की बात किया गया। अच्छा, साफ शब्दों में अगर हम कहें कैन का यूज कहाँ पर होता है, तो आपको तुरंत पता होना चाहिए यहाँ पर क्या दिया गया है, मतलब योग्यता। सबसे बड़ी चीज़ क्या चीज़ है, योग्यता, ठीक है ना, योग्यता। इसके बाद सामर्थ्य, शक्ति के लिए, वह अपना काम पूरा कर सकता है, मतलब ये उसकी शक्ति के बारे में बताया, उसके अंदर योग्यता है कि मतलब वो अपना काम लिख सकता है, उसके अंदर इतना पावर है, इतनी योग्यता, इतनी एबिलिटी, इतनी कैपेसिटी है, ठीक है ना। तो जहाँ एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, उसके अंदर की दक्षता, दक्षता मतलब जो व्यक्ति काम कर लेता है, कोई व्यक्ति, अब कोई भी वर्क है कोई नहीं कर पाता, तो उसकी उसकी स्किल्स डाउन है, तो यहाँ पर अगर दक्षता, सामर्थ्यता या योग्यता की बात किया जाएगा, तो वहाँ पर कैन का प्रयोग होगा। वहाँ पर किसका प्रयोग होगा, कैन का। जैसे यहाँ पर सेंटेंस कितना अच्छा लिखा है, यहाँ पर सेंटेंस लिखा गया है वह अपना काम पूरा कर सकता है। सबसे पहले वह की अंग्रेजी ही हो जाएगी, सकता है के लिए कैन हो जाएगा, फिर हो जाएगा कंप्लीट मतलब पूरा करना, हिज वर्क, ही कैन कंप्लीट हिज वर्क, वह अपना काम पूरा कर सकता है, वह अपना काम पूरा कर सकता है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम, प्लीज कमेंट करिए प्लीज। अच्छा, प्रधानाचार्य तुम्हारी छुट्टी स्वीकृत कर सकते हैं, तो प्रधानाचार्य का सिंपल शब्दों में द हो जाएगा प्रिंसिपल, द क्या हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा द प्रिंसिपल, ठीक है ना, यहाँ पर हो जाएगा द प्रिंसिपल कैन ग्रांट यू लीव, ग्रांट मतलब होता है स्वीकृत करना, स्वीकृत करना, द प्रिंसिपल मतलब होता है प्रधानाचार्य कैन। अच्छा, ग्रांट अगर आपको नहीं पता है तो आप एक्सेप्ट लिख सकते हैं प्लीज, ठीक है ना, द प्रिंसिपल कैन एक्सेप्ट योर लीव, एक्सेप्ट योर लीव हो जाएगा ACCEPT, ठीक है ना, तो यहाँ एक्सेप्ट योर लीव हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, या द प्रिंसिपल कैन ग्रांट योर लीव। तो मुझे आशा है पहला तो आपको पता चला यूज ऑफ कैन, यूज ऑफ कैन आपको क्लियर है, कन्फर्म है, वेरी नाइस। चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, ठीक है, सेकेंड वाले पार्ट पे, आज्ञा या अनुमति प्रदान करेंगे, दी बेस्ट है यहाँ पे, यहाँ पे क्या चीज़ है, आज्ञा या अनुमति, ठीक है। तुमको किसी चीज़ का आज्ञा या अनुमति लेना हो तो उसके लिए भी किसका प्रयोग होता है, ठीक ना। जैसे आप लोग जाते हो, बाहर जाते हो, ठीक है ना, तो वहाँ पूछते हो सर मे आई गो आउट सर, तो यहाँ पर क्या, आज्ञा अनुमति, तुम बाहर जा सकते हो, यू कैन गो आउट, यू कैन गो आउट मतलब आज्ञा अनुमति, मतलब किसी चीज़ के लिए आपको पूछना है तो वहाँ पर कैन का यूज हो जाएगा, वहाँ पर क्या हो जाएगा, कैन का यूज हो जाएगा। अच्छा, आज्ञा के रूप में हम आपको बताएंगे मे का यूज कब होता है, लेकिन ये कल की वीडियो बनेगा, आज की वीडियो में इतना देखिए। तो तुम बाहर जा सकते हो, यू कैन गो आउट, यू कैन गो आउट। तुम एक घंटे सो सकते हो, तो यू कैन स्लीप, मतलब तुम सो सकते हो कब तक, एक घंटे के लिए, एक घंटे, फॉर एन आवर, फॉर एन आवर, यू कैन स्लीप फॉर एन आवर। अब आपको मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कहाँ सिंस लगेगा और कहाँ फॉर लगेगा, मुझे ये बताने की जरूरत है नहीं है। तो ये सेकंड वाला रूल आया, सबको समझ में, प्लीज सभी लोग कमेंट करें, और हाँ सभी लोग जितने लोग देख रहे हैं प्लीज लाइक कर दें सभी लोग। अच्छा, जो बच्चे आवाजाही लगाए रहते हैं प्लीज आप क्लास को कंटिन्यूअस देखना कर देखा करें, ठीक है, प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। तो तुम बाहर जा सकते हो, यू कैन गो आउट, तुम बाहर जा सकते हो। तुम एक घंटे सो सकते हो, यू कैन स्लीप फॉर एन आवर, ठीक ना, तुम एक घंटे सो सकते हो, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। चलिए लेकर चलते हैं रूल नंबर थ्री पे, रूल नंबर थ्री पे, यहाँ देखो क्या दिया है, प्रोहिबिशन, ठीक ना, प्रोहिबिशन की बात किया गया है, निषेध के लिए कैन नॉट का प्रयोग होता है। तुम मेरी किताब नहीं पढ़ सकते हो, यू कैन नॉट रीड माई बुक्स, यू कैन नॉट रीड माई बुक। तो यहाँ पर प्रोहिबिट, जब किसी चीज़ को मना किया जाएगा, निषेध किया जाएगा, रोका जाएगा, आपको समझाया जाएगा, तो वहाँ पर प्रोहिबिशन हो जाएगा, निषेध हो जाएगा, तो वहाँ पर कैन नॉट का प्रयोग होगा। तुम मेरी किताब नहीं पढ़ सकते हो, यू कैन नॉट रीड माई बुक, यू कैन नॉट रीड माई बुक, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, सुपर सा तरीका है, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं थर्ड के बाद, क्वेश्चन नंबर फोर्थ के चलते हैं, संभावना प्रकट करने के लिए, किसके लिए भैया बात किया गया यहाँ पर, संभावना प्रकट करने के लिए, मतलब जहाँ पर संभावना है, ठीक है ना, तो उसके लिए एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए हैं, आप एग्जांपल्स देख लीजिए संभावना के लिए, ठीक है ना। अगर वह चाहती तो तुम्हें किताब दे सकती है, अगर वह चाहती तो तुम्हें, अगर वह चाहे तो तुम्हारा काम कर सकती है, अगर वह चाहे तो तुम्हें पढ़ा सकती है, अगर वह चाहे तो तुम्हें कुछ भी बना सकते हैं। तो ये चीज़ें संभावना के लिए, अगर चाहते, संभावना है कि बना सकते हैं, ठीक है ना, तो अगर वह चाहती तो सी कैन लैंड, सी कैन लैंड, ठीक ना, यू ए बुक इफ सी लाइक्स, इफ सी लाइक्स, मतलब सी कैन लैंड, सी मीन्स सी कैन लैंड यू, सी कैन लैंड यू ए बुक,
तुम्हें किताब दे सकती थी इफ सी लाइक्स, यदि वह तुम्हें चाहती, यदि अगर वह चाहती तो तुम्हें किताब। यहाँ इफ का जो प्रयोग जो हुआ है अगर या यदि के लिए होता है, इफ मतलब होता अगर या यदि, ठीक है ना। तो इफ सी लाइक्स, यदि वह चाहती, इसको आगे लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आगे, ठीक है, इसको अपने शब्दों में आप लिख लो आगे, इफ सी लाइक्स कामा लगा दो, सी कैन लेंड यू ए बुक, तो तुम्हें एक किताब दे सकती है, ठीक है ना। इसको आप अपने शब्दों में लिखो, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए वेरी नाइस, आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया है, यूज ऑफ कुड, यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर बात किया गया किसके बारे में, यूज ऑफ कुड के बारे में, यूज ऑफ कुड के बारे में यहाँ बात किया गया है, ठीक है ना। तो देखते हैं यूज ऑफ कुड के बारे में, थोड़ा सा देखते हैं, ज़्यादा देर समय नहीं लेंगे, ठीक है ना। यूज ऑफ कुड में क्या क्या दिया गया है, यूज ऑफ कुड का प्रयोग, यूज ऑफ कुड का प्रयोग कुछ भी नहीं है, सब कुछ वैसा ही है, सब कुछ क्या है, वैसा ही है यूज ऑफ कुड में, ठीक है। क्या है यूज ऑफ कुड में, कुड का प्रयोग बस पास्ट टेंस लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, पास्ट टेंस में किया जाता है, और ये कैन का सेकेंड फॉर्म है। मुझे आशा है आपको ये दो पॉइंट दी बेस्ट लगा होगा, सबसे पहला पॉइंट कुड का प्रयोग पास्ट टेंस में, और कुड जो होता है वो कैन का सेकेंड फॉर्म होता है या पास्ट फॉर्म होता है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, कन्फर्म है आपको। वह दो भाषाएं बोल सकता था, तो ही कुड स्पीक टू लैंग्वेज, भाषाएं, ही कुड स्पीक, यहाँ पर देखो दिया गया है साफ साफ, ठीक है ना, इसका यहाँ पर दिया गया है ही कुड स्पीक, ही मीन्स वह कुड सकता, कुड स्पीक बोल सकता था टू लैंग्वेज, टू लैंग्वेज, यहाँ एबिलिटी की बात किया, कैन का ही फॉर्म है, बस सब कुछ कैन का रूल्स है, बस केवल ये पास्ट में कुछ भी नहीं ज़्यादा एक्स्ट्रा है वहाँ है, अगर यही लिखा हो तो वह दो भाषाएं बोल सकता है, तो ही कैन स्पीक टू लैंग्वेज, ही कैन स्पीक, लेकिन यहाँ बोल सकता था तो कुड लग गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी लोग कमेंट करें, कोई समस्या नहीं है, सबको आ रहा, क्लियर है। अच्छा, मेरा भाई गत मास, ठीक है, कोई भी रुपया नहीं भेज सकता है, तो माई ब्रदर कुड नॉट सेंड एनी मनी लास्ट मंथ, गत मास मतलब जो बीता हुआ मास है या पिछले मंथ, ठीक ना, उसी को गत मास कहते हैं, ठीक है ना। तो माई ब्रदर, मेरा भाई कुड नॉट सेंड, नहीं भेज सका एनी मनी, कोई भी पैसा लास्ट मंथ, यहाँ पावर की बात किया है, क्या आप कृपया दरवाजा बंद कर सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या आप कृपया दरवाजा, तो कुड यू प्लीज शट द डोर, तो आपको हम बताएं यहाँ पर आप इसको कैन से भी कर सकते हैं, आप इसको किससे कर सकते थे, आप कैन से भी कर सकते थे, लेकिन कैन से इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि यहाँ पर रिक्वेस्ट किया गया है, यहाँ पर क्या किया गया है, रिक्वेस्ट की बात किया गया है, तो प्लीज यहाँ पर कुड का प्रयोग करिए, ठीक है, क्या आप कृपया दरवाजा बंद कर सकते हैं। हाँ, आगे चलते हैं, तीसरा हो गया, चौथा, यहाँ पर चौथा दिया है, चौथा क्या दिया रूल, क्या आप मुझे कल मिल सकते हैं, तो कुड यू सी मी टुमारो, क्या आप मुझे कल मिल सकते हैं, तो ये वही बात कर रहा है, ठीक है ना, क्या आप मुझे कल मिल सकते हैं, कुड यू सी मी टुमारो, यहाँ रिक्वेस्ट की बात कर रहा है। फिर यहाँ पर देखो रिक्वेस्ट के लिए है, क्या मैं आपकी किताब पढ़ सकता हूँ, कुड आई, ठीक है, कुड आई रीड योर बुक, जहाँ रिक्वेस्ट की बात होगा वहाँ तुरंत कुड का प्रयोग हो जाएगा, कैन का प्रयोग नहीं होगा, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्या मैं आपकी किताब पढ़ सकता हूँ, कुड आई रीड योर बुक, ठीक है। तो यहाँ तक आपकी सीरीज ख़त्म हुई, मैं यहीं तक सीरीज लिया था और उसके आगे नहीं लिया हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा, दोनों एक्सरसाइज जो मैंने कराया आपको कैसा लगता है वो, ठीक है, दोनों एक्सरसाइज और ये पूरा तैयार रखिए, और तब तक लिए तैयारी करिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए आप अपनी तैयारी करते रहिए। चलिए ठीक है, सभी को गुड नाइट, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, शुभ अप, सभी लोग डेली क्लास में रहा करें, ठीक है। आपकी संख्या कल 15 से 25 थी, इसलिए 15-17 थी, इसलिए मैं आज वीडियो बनाया हूँ। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारा दिल टूट जाएगा और हम फिर वीडियो नहीं दे पाएंगे आपको, तो प्लीज़ सभी लोग लाइव रहा करें। हाँ, मुझे लगता है कि आप लोग को फ्री की दिक्कत है, ये फ्री में क्लास चल रहा है, इसीलिए अभी पैसा लगता तो आप बहुत ज़ोर से तेज़ से दौड़ के लेते, फ्री वाला चीज़ दिक्कत है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ ध्यान सुनो, ठीक है ना, आप तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, सभी को गुड नाइट, कैसा लगा सभी लोग बताइए, सभी लोग कमेंट करिए, और हम एक दो वीडियो छोटा छोटा शॉर्ट्स डालते हैं, कम से कम जितने लोग हैं वो लोग जा करके उसको कमेंट्स वगैरह कर दिया करें, ठीक है ना, लाइक कर दिए, एक कमेंट कर दिए, मुश्किल से 8-10 सेकंड का रहता है और उसमें आप कुछ ना कुछ तो सीख जाते हैं 8-10 सेकंड में, ठीक है, किसी भी चीज़ की स्पेलिंग आप जान जाते हैं उसके बारे में। चलिए ठीक है, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, थैंक यू। चलिए ठीक, गुड नाइट, सभी को गुड नाइट, बहुत अच्छा, सभी को थैंक यू, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, क्लास सबको अच्छा लगा है, वेरी नाइस, तैयार करते चलिए मेरे साथ। हाँ, एक्सरसाइज वो इससे भी मैं लेकर आऊँगा, बहुत टिपिकल टिपिकल इससे, 5 या 6 इससे मैं लेकर आऊँगा, जबरदस्त,
और ज़बरदस्त तरीके से मैं याद करा तभी जाऊँगा यहाँ पे, और एप्लीकेशन भी लेकर आऊँगा, ट्रेंडिंग एप्लीकेशन जो इस समय चल रहा है एनसीईआरटी में। चलिए ठीक, बढ़िया है, वेरी नाइस। ट्रेंडिंग एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है इस समय पेपर में वो लेकर आऊँगा, जैसे पेपर में लिखा जाता है वो चीज़ वो बताऊँगा जिससे नंबर आपका उठे, ठीक है ना। हाँ ठीक, चलिए ठीक, वेरी नाइस, वेरी नाइस, सुपर्ब, थैंक यू।